नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है, वहां पे भी आठवां अध्याय व्यवहार प्रकरण और उसमें भी ऋणादान प्रकरण की चर्चा चल रही है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जहां पे किसी ने ऋण लिया और उसने राजा के सामने ये स्वीकार कर लिया कि महाराज, मैंने ऋण तो लिया है लेकिन इस समय मेरी स्थिति नहीं है, मैं देने के लिए ना नहीं कह रहा हूं, तो राजा को खाली उसके उपाय करने हैं कि भैया आप एक साथ नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो पांच प्रकार की नीतियां वहां कहेंगे, किसी भी तरीके से वो धन वापस मिलना चाहिए जिसने ऋण दिया है महाजन को, या आज की भाषा में मैंने कहा बैंक। लेकिन चर्चा शुरू हो गई थी इस बात की कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है लेकिन उसके बाद वो कहता है कि हमने तो लिए ही नहीं, तब की स्थिति क्या है। तो भैया, जिसने ऋण दिया है वो अकेले तो देगा नहीं, देना ही नहीं चाहिए, साक्षी अवश्य रखने चाहिए। साक्षी कौन होने चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब अगर उसने साक्षी रखे हैं और वो साक्षी आकर इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि भैया हमारी उपस्थिति में इन्होंने लिया था धन, और सिद्ध होता है तो राजा उसको दंड करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो संभव है कि हम दो साक्षी खड़े कर लें और किसी को फंसाने के लिए उसके ऊपर गलत आरोप लगा दे। तो भैया, ऐसा नहीं है कि आपने दो साक्षी पेश कर दिए, तीन साक्षी पेश कर दिए और इसके आधार पे ये बिल्कुल मान लिया जाएगा कि आप ही सच्चे हैं और सामने वाला बिल्कुल झूठा है। असंभाष्य साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथा, निरुच्यमानं प्रश्नं चा नेच्छेद्यश्चापि निष्पत्ति। कोई साक्षी तो ले आया, महाराज हमारे पास दो साक्षी हैं जिनकी उपस्थिति में मैंने यह धन दिया था। अब ये राजा की जवाबदारी है कि उन साक्षियों से इस प्रकार से प्रश्न करे कि वास्तविकता तक वो पहुंचे। तो आपने पहले तो पूछ लिया था अकेले में कि आपने कितना धन दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमने तो साहब 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अब दूसरे साक्षी से पूछा गया अकेले में, आप बताइए कितनी सुवर्ण मुद्राएं इन्होंने दी थी, तो उन्होंने कहा साहब मुझे कुछ ऐसा अंदाज है कि 5,000 थी शायद, शायद नहीं, सीधा सीधा बोलो, क्योंकि वो बता रहे थे कि 6,000 सुवर्ण मुद्राएं दी गई हैं। तो उन्होंने कहा हमारा 6,000 ही थी, 6,000 थी। दूसरे को बुलाया, दूसरे साक्षी से अकेले में गवाही ली और उसको इसी प्रकार से कुछ बहलाया। अगर साक्षी सत्य बोल रहा है तो जो एक व्यक्ति ने, यानी ऋण देने वाले ने जो बताई है वही संख्या निकलनी चाहिए ना। जब उनके सामने ही ये काम किया गया है तो संख्याएं बदल कैसे सकती हैं। लेकिन अब ये तो राजा की जवाबदारी है ना, कहा था ना कि मृग को लगे हुए बाण में से बहते हुए रक्त के आधार पे शिकारी मृग को ढूंढ लेता है जाकर के। इसी प्रकार से राजा की भी ये जवाबदारी है, छल से, बल से, कपट से, व्यवहार से, जैसे भी हो, वो ऋणी का ऋण वापस उस तक पहुंचे इसका उसको प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन भैया, अगर ऋणी ने ऋण नहीं दिया है, झूठ बोल रहा है, तो उसका अंजाम उसको मिले, ये भी राजा को देखना चाहिए। अब इसके कुछ तरीके बताए हैं। कोई कहता है ब्रूही इत्युक्तस्य न ब्रूया, साक्षी के रूप में लेकर के आया और फिर कहा हां चलो बोलो तो कितने रुपए लिए थे, लेकिन वो साक्षी बोल ही नहीं रहा, वो जवाब ही नहीं दे रहा है, वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कितने बताए थे, 5,000 बताए थे, 6,000 बताए थे,
देखिए, सत्य बोलने वाले को कभी समय नहीं लेना पड़ता है और झूठ बोलने वाला कभी तुरंत बोल नहीं सकता है। उसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसको याद करना पड़ता है पहले क्या कहा था। मुझे दोबारा भी वही कहना चाहिए, कहीं मेरी बात बदल ना जाए। तो वो कभी भी तुरंत जवाब नहीं दे सकता है। और अगर ऐसा होता है, नच पूर्वा परम विद्या तस्माद अर्थात सही। और भैया पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि 5,000 लिए थे, दूसरी बार आए उन्होंने कहा कि 5,500 लिए थे, तीसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि 6,000 लिए थे। अरे भाई, जब कोई रकम ली हो तब तो आपको पक्की पक्की याद रहेगी कितनी ली थी, इतनी रकम आप बोलेंगे। लेकिन जब आप बना के ही बोल रहे हैं, जब आप मिथ्या ही आरोप लगा रहे हैं, तो कई बार लालच ये कहता है कि पिछली बार 5,000 के लिए कहा था, अगर 6,000 कह दे तो गलत क्या है। अरे भैया, 6,000 मिल जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ना, जब पूर्व और पर का संबंध नहीं रहता है, एक बार कही गई बात दूसरी बार बदल जाया करती है, दूसरी बार कही गई बात तीसरी बार बदल जाया करती है, तो अर्थात सहीयते, तो ऐसे व्यक्ति को पराजित घोषित करना चाहिए, चाहे वो देने वाला हो और चाहे वो लेने वाला। लेने वाला कई बार कहता है कि साहब हमने तो लिए ही नहीं। अब उसने कहा कि नहीं साहब, इनके यहां शादी थी और शादी के लिए इनको धन की जरूरत थी, आप इनसे पूछिए इन्होंने शादी जो की उसमें इतना धन जो खर्च किया कहां से लाए ये धन। तो कहता हां शादी के टाइम पे, लेकिन मैंने इतना नहीं लिया, मैंने तो बस थोड़ा सा कुछ लिया था। बात को कैसे भी करके उसकी दूरी पकड़नी है और फिर उसके एंड तक जाना है, ये राजा की जवाबदारी। साक्षिणा संति चेत्युक्ता दिशेत्युक्तो दिशे नया। कई बार ऐसा होता है कि वो कहेगा कि हां महाराज, हमारे पास साक्ष्य हम लेके आएंगे, लेकिन आप इनको जाने मत दीजिए, आप इनको जेल में रखिए जब तक ये हमारी संपत्ति नहीं दे देते हैं, साक्षी में लेकर के आता हूं। तो भाई उसको जेल में भी रख लिया गया। या वो कल साक्षी लाने वाले थे, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, दो दिन बाद, चार बार, अब साक्षी अगर हाजिर ही नहीं हो रहा, उपस्थित ही नहीं हो रहा है, तो भैया यहां साक्षी है नहीं, साक्षी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भैया ऐसी स्थिति में भी अगर कोई ये कहता है कि मैं साक्षी को लेके आ रहा हूं और फिर वो साक्षी को प्रस्तुत नहीं कर पाता है सही समय पे, तो भी उसको हारा हुआ मानना चाहिए। अब चाहे वो देने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो, दोनों के लिए नियम तो एक ही बराबर है। अभियुक्ता नचेत ब्रूयात बद्ध्यो दंडस्य धर्मदा, नचेत त्रिपक्षात प्रब्रूयात धर्मम प्रतिपराजिता। अब यहां कहते हैं कि जिसने धन लिया है और वो कहता कि हमने तो लिए ही नहीं है, तो उसके लिए तो दंड का विधान था ही। लेकिन अगर किसी ने धन नहीं दिया है और वो गलत आरोप लगा रहा है कि इसने हमारे पास से इतना धन लिया है, उसने गलत साक्षी वगैरह भी तैयार कर लिए हैं, तो राजा अगर उसकी जड़ तक पहुंच जाता है तो चूंकि वो तो महाजन है, वो तो सक्षम है, तो दुगना दंड उसको करना चाहिए। यानी अगर उसने 10,000 का दावा किया है तो 20,000 का दंड उसके ऊपर राजा को करना चाहिए। अगर राजा के सामने, ब्राह्मण के सामने पूछे जाने पर ऋणी इस बात का इनकार कर देता है कि साहब आप कुछ भी कहें, लेकिन हमने इनके पास से कोई धन नहीं लिया है, हमने इनके पास से कोई ऋण नहीं लिया है, और सामने जिसने ऋण दिया है वो 3 गवाह अगर प्रस्तुत कर देता है, 3 साक्षी अगर प्रस्तुत कर देता है, तो यादृशात धनिभि कार्या व्यवहारेषु साक्षिणा तादृशान संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यम मृतं चरे। तो भैया उसकी बात का स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यहां साक्षी कैसे होने चाहिए, आप किनको साक्षी के रूप में रख सकते हैं और कौन साक्षी नहीं हो सकते हैं, इसका मैं आपको ध्यान रखिए बता रहा हूं।
तो भैया गृहिणा पुत्रिणो मौला छत्रविट शूद्र योने अर्थयुक्ता साक्ष मर्हंती नए के चिद अनापदी। भैया कोई कुटुंबी हो, घर परिवार वाला हो, पुत्रवान हो, उसी देश का रहने वाला हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब वादी बुलाए तो ये लोग गवाही देने के लिए, साक्ष्य पूर्ण करने के लिए वहां जा सकते हैं। यानी इन लोगों का साक्ष्य के रूप में स्वीकार संभव है, किनका? जो परिवार वाला हो। कोई सन्यासी अगर साक्षी देने आ गया तो उसका साक्ष्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि तो वैसे ही जीवन मुक्त है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि झूठ बोलना क्या है और सत्य बोलना क्या, उसने तो सबका परित्याग कर दिया है। तो अगर आप उसके शिष्य हैं और आपने कहा गुरुजी इतनी बात कह दोगे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, तो गुरुजी गए, उन्होंने कह दिया हम कह देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों की साक्षी नहीं ली जाएगी। यहां साक्षी किसकी ली जाएगी पहले इसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो कुटुंबिना गृहिणा हो, जो पुत्रवान हो, जो अच्छी तरीके से मूलता उसी स्थान का निवासी, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति से हो, वो साक्षी दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि कभी भी वो स्वयं दोषी ना रहा हो। अगर उसने कभी कहीं किसी प्रकार की सजा प्राप्त की है तो फिर वो साक्षी बनने का अधिकार खो देता है। तो भैया राजा जिनकी साक्ष्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो, ऐसे साक्षी कौन कौन हो सकते हैं? ऊपर थोड़ी सी बात की थी, आगे कहते हैं आप तह सर्वे सुवर्णेशु, किसी भी वर्ण का श्रेष्ठ व्यक्ति, शूद्र वर्ण है लेकिन उसका श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो मान है, जिसका सम्मान है, क्योंकि यहां यह कहा गया था श्रेष्ठ जिस मार्ग पे चलते हैं उसी को तो धर्म माना जाता है। तो ऐसे लोग किसी भी वर्ण के हों वो साक्षी दे सकते हैं। कार्य अकार्य को समझने वाले ऐसे विद्वान लोग, अच्छे लोग साक्षी के रूप में हो तो और अच्छी बात है। सर्व धर्म विदो लुब्धा, सभी धर्मों के जानकार और जो अलुब्धा हैं, जिनको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, ऐसे लोगों को आप साक्षी के रूप में रख सकते हैं। विपरीतांस्तु वर्जयेत, जो इससे विपरीत है उनको आप साक्षी के रूप में मत रखिए, उनको नहीं रखा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं कि किनको नहीं रखा जा सकता है। अर्थ संबंधिना, मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, कोई आपका पार्टनर है तो भैया उसकी साक्षी नहीं चलने वाली है। नाप्ता ना सहाया ना वैरिणा, जो आपके परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, जो किसी भी तरीके से आपके सहायक हों, या जो आपका शत्रु है, इनमें से किसी की भी साक्षी नहीं मानी जा सकती है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, उनको तो दूसरों के दोष ही दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब आप उनसे मिलोगे और आप कहोगे यार उसने तो मेरे साथ ऐसा, अरे यार मेरे साथ तो उसने पहले ही ऐसा किया था, तो बोले मैं तो केस करने जा, अरे मैं आपकी साक्षी दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, शायद इसी बहाने से मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो ऐसे लोगों की साक्षी स्वीकार नहीं की जाती है। कोई रोगी हो, दूषित व्यक्ति हो, उसको भी साक्षी के रूप में नहीं रखा जा सकता है। राजा की भी साक्षी नहीं चलेगी। यानी न्यायाधीश खुद सब कुछ जानता है लेकिन खुद वो साक्षी नहीं बन सकता है। अगर उसको साक्ष्य देना है तो उसको न्यायाधीश का पद छोड़ना पड़ेगा। तो राजा भी साक्षी के रूप में नहीं चलेगा। कारु कुशी लवो, कुछ कारीगर वगैरह हैं, कुछ नाटक मंडली में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, ऐसे लोगों को आप साक्षी के रूप में नहीं रख सकते।
अब आप कहेंगे कि राजा साक्षी नहीं दे सकता है, कोई श्रोत्री ब्राह्मण साक्षी नहीं बन सकता है, तो फिर तो ये तो बड़ी कठिन स्थिति है ना। देखिए ऐसे सब लोगों का यहां पे निषेध किया गया है जिनकी स्थिरता पे भरोसा नहीं है, जिनकी स्थिरता का पता नहीं है, यहां उन्हीं का। अब मान लीजिए कोई नटमंडली है, आज की तरह तो है नहीं कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है, वहां वो पिक्चरें बनाते रहेंगे और सारी दुनिया में देखी जाती रहेंगी वो पिक्चर। पहले तो क्या होता था कि अगर आपको अहमदाबाद में अपने शो करने हैं तो अहमदाबाद के एक थिएटर में करेंगे, फिर दूसरे थिएटर में करेंगे, तब तो आपको पूरे अहमदाबाद वाले देख पाएंगे। अब इस प्रकार से आपको पूरे गुजरात में करने, पूरे भारतवर्ष में करने, तो आपको तो यहां से वहां भटकते ही रहना है। अब जिन लोगों को घूमना पड़ता है, जिन लोगों को फिरना पड़ता है, उनको बहुत लोगों से काम पड़ता है। जब उनको बहुत लोगों से काम पड़ता है तो फिर सत्य असत्य और असत्य सत्य ये सब चलता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों की साक्षी को यहां पे नकारा गया है। राजा को राजा रहते हुए साक्षी देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो स्वयं न्यायाधीश है अगर वो किसी एक पक्ष की बात करने लग जाए तो भाई दूसरा पक्ष जो है, मालविकाग्नि मित्र में कालिदास लिखते हैं कि मैं तो स्वयं ही पक्षधर हूं, इसलिए मैं तो निर्णायक नहीं बन सकता हूं, निर्णायक आप ही बनिए। तो साध्वी को निर्णायक बनाया जाता है, राजा स्वयं निर्णायक के रूप में नहीं बैठता। कोई सन्यासी हो गया, लिंगस्थ हो, बाबा जी बन गए, जिन्होंने दुनियादारी के संगवंग छोड़ दिए हैं, अब ऐसे व्यक्ति को आप साक्षी के रूप में ले आए। देखिए साक्षी के लिए बड़ा जरूरी है कि भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ा होना चाहिए, लालची नहीं हो, नहीं तो किसी दूसरे ने लालच दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुझसे प्यारा कोई मिला छोड़ा तुझे क्या है गिला, तुमसे ज्यादा वो मुझे पैसे दे रहा तो मैं तो उसकी साक्षी दूंगा, आपकी काहे के लिए। तो ऐसे साक्ष नहीं चले। नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दक्षुर न विकर्म कृत न वृद्धो ना शिशुर नैको नात्यंतो ना विकलेंद्रिया। कोई आपके अधीन है, आपका सेवक है, वो आपके विरोध में नहीं बोल सकता, वो साक्षी के रूप में नहीं चलेगा। कोई शत्रु है, आपका मित्र हो सकता है, किसी का शत्रु हो सकता है, तो उसके विरुद्ध में अगर वो साक्षी दे रहा तो वो भी नहीं चलेगा। वृद्ध लोग भी नहीं चलेंगे, कई बार तो कई भी बातें भूल जाते, उन्हें याद ही नहीं रहता है, तो उनको आप साक्षी के रूप में रखेंगे तो नहीं चलेगा। बालक भी नहीं चलेंगे, क्योंकि कई बार उनको डरा धमका के कुछ चॉकलेट वगैरह देकर के भी अपनी बात उनकी बदलवाई जा सकती है। कोई बहुत दुखी है, मत तो कोई नशे में है, कोई उन्मत्त पागल है, कोई भूख प्यास से व्याकुल है, बड़ा मेहनत करता, बड़ा परिश्रम करता है, थका हारा पड़ा रहता है, ऐसा मजदूर और कामार्थ जो बड़ा डेस्परेटली ये चाहता हो कि उसको कोई ना कोई मिलनी चाहिए, तो भैया ऐसा कामार्थी जो है ना, क्रोधी तस्कर यानी चोर, आप इन लोगों की साक्षी नहीं ले सकते, ये लोग साक्षी के रूप में काम नहीं कर सकते। अब आप विचार करेंगे तो सबका अर्थ आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों इनका निषेध किया गया है साक्षी के रूप में, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनकी स्थिरता का प्रश्न है। मान लीजिए आपने किसी बाबा जी को, तो उससे आप कहेंगे कि चलिए आप शपथ खाइए। अब जिसने इस संसार का ही परित्याग कर दिया है, जो इस संसार को ही त्याग चुका है, उसके लिए कसम क्या, सत्य क्या और मिथ्या क्या। तो ऐसे ही जो और भी लोग हैं, सबके कारण अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। यह मुख्य कारण है कि उनकी स्थिरता का प्रश्न है, कि वो जो बात कह रहे हैं
उस बात पे वो बने रहेंगे या उनकी वो बात बदल जाएगी। अगर बात बदलने वाला कोई भी संभवित है तो उसको साक्षी के रूप में नहीं रखा जा सकता। चलिए, तो साक्षी कौन होना चाहिए, कहां किसकी साक्षी स्वीकार की जा सकती है, इसकी चर्चा विस्तार के साथ अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य।